हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज है सावन का पहला सोमवार और खूब बारिश होने लग रही है। अभी एकदम तो मौसम चेंज होगा, अच्छी बारिश होने लग रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा एकदम निकलना हो रहा था। हवा और चल जाओ ना, बहुत अच्छा मौसम हो जाओ। देखो बैक कैमरे से दिखाऊं, और दोपहर का टाइम हो रखा है। यहाँ पे करने लग गई थी कपड़ों पे प्रेस, एक प्रेस है वो रखी ख़राब, उसको भी ठीक करवा के लेके आऊँगी। मार्केट में जाऊँगी एक दो दिन में, तब या फिर कल की सोच रही मैं, कल चली जाऊँ पे। काम करते करते दोपहर हो जाए और उसके बाद मैं फिर मन नहीं करता बाहर कहीं पे जाने का। और शाम के टाइम में फिर वही शाम का जो काम होता है वो चालू हो जाता है। थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ अपना मशीन का करूँ, पर वो भी नहीं हो पाता। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा लगती रहवा है कि बस पूछो ही मत एक तो। और जो डेली के रूटीन के काम है वही निपट पाए हैं। कई बार तो भाई एक दो तीन बार तो इशिका को लेके आना छोड़ के आना, फिर उसके पापा भी आवे जावे हैं तो मेट्रो तक उनको लेके आना छोड़ के आना, ये मेरे यहाँ पर काम बढ़ चुके हैं। और जो डेली के अपने काम हैं वो तो भाई चलते रहवा हैं। तो अभी जो मेरे सूट थे कॉटन वाले सूट, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जावे अभी प्रेस करते करते, तो यहाँ पर साथ के साथ में तो हो नहीं पाती। कपड़े धुलते हैं फिर इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। पति देव का ये है कि भी साथ के साथ में हो जाती है उनकी, वो बाहर अपने ऑफिस में जाते हैं वो वाले, और टी शर्ट वगैरह होती है जो डालते हैं साथ के साथ उनकी, तो वे करके दे देती हूँ। और जो अपने होते हैं उनको भी साथ में ही कर लेती हूँ। ये नहीं कि भी एक बार इकट्ठा करके कर लूँ प्रेस, वो नहीं बन पाता। तो आज थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला था तो मैंने एक करके रख दी। 5-10 जोड़ी थी मेरे ही, 2-3 जोड़ी कुर्ते पजामे थे पापा के, तो वो भी प्रेस करके और रख दिए हैं। कॉटन के कपड़े हैं जो उन पे प्रेस करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वैसे घर पे डालने वाले एक आधे वो है टी शर्ट वगैरह, जो वैसे सिंपल से वैसे सूट है जो घर पे ही डालती हूँ बस, वो वाले हैं उन पे एक आध बार छूट भी जाता भाई, तो प्रेस कर दी है। अभी इनको लगा देती हूँ। जो डेली यूज़ के हैं वो ऐसे ही मैं नीचे फोल्ड करके रख दूँगी। बाकी जो एक आध बार डाले जाते हैं इनर वगैरह के हैं भाई, आने जाने में ही काम आवे हैं, और गर्मी में बिल्कुल भी इनर वाले पहनने का मन नहीं करता, तो ये मैं लगा दूंगी हैंगर में लगा के। अच्छी बड़ी बड़ी अलमीरा है तो आराम से ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हैंगर में लगा दिए हैं एक आध बार डालने वाले वैसे डेली रूटीन के, वो नीचे फोल्ड कर कर रख दिए हैं। उसके बाद भी ये क्लिप है अगले दिन की भी, अगले दिन सुबह की। अभी जो घर का काम है झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सारा काम निपटा दिया है। फिर ढेर सारे कपड़े थे वो धो दिए हैं। अभी बस कपड़े धोने के बाद फिर एक ये काम बचा हुआ था, कई दिन से सोच रही थी इनको भी बोला था भी, पर इनको भी टाइम लगता नहीं है। और जब टाइम लगता है तो काम याद नहीं आते, भूल जाते हैं। तो ये खाट है, एक चारपाई लेके आए थे गांव से आए जब, तो भाई वैसे तो ज़रूरत तो थी नहीं और ज़्यादा कि बस एक की ही ज़रूरत थी, तो वो हम ले आए थे। बाकी के बेड लेके आए हैं, 3 डबल बेड है 1 सिंगल बेड है, तो उन्हीं से काम चल जाता है। एक आध फोल्डिंग वगैरह अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ले लेंगे, वरना जो गद्दे होते हैं वो लेके आ रखे हैं 2, तो उनको लगा लेते हैं जब कोई एक आध भई आने जाने वाले लगे रहे हैं।
नहीं नहीं यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, और वैसे भी भाई हमारे घर पर रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। कई ऐसे होते भी, कई को वीडियो में मैं दिखा देती हूँ, जिन लोगों को भी वीडियो में आना पसंद होता है, और कई सारे ऐसे होते हैं कि भाई ना मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ और ना मैं चाहती कि भी वो वीडियो में मैं उनको लूँ, मैं दिखाऊँ, तो ऐसा ही हो जावे है। तो कई बार आपने ये लगेगा कि भी अपने साइड वालों की ये वीडियो मैं दिखाती रहे और ससुराल वालों की साइड वाले कुछ ऐसे होते हैं भी ये सोचते रहे मैं। तो भाई जिन लोगों को मायके की तरफ के हो या फिर ससुराल की तरफ के हो, जो लोग आना पसंद करते वीडियो में, बस मैं उनको लेती हूँ, चाहे मेरे मायके वालों की तरफ से हो या ससुराल वालों की तरफ से। तो भाई जिन लोगों को पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो मैं उनको नहीं लेती। भाई सबको अच्छा नहीं लगता कैमरे के आगे आना, या फिर सबका अपना अपना मन होता है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होती। और ये गलत फहमी भी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि भाई इनके तो मायके की तरफ से खूब सारे रिश्तेदार आते रहते हैं, ससुराल वालों की तरफ से इक्का दुक्का ही आते हैं। तो भाई सबकी वीडियो में नहीं बनाती, कोई ना कोई आया ही रहता है वैसे तो। और बस अब ये जो चारपाई थी इसकी मैंने ये थी पात, ये कस दी है और अभी हो चुकी बिल्कुल ठीक। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो एक आध फोल्डिंग या चारपाई जो स्टील वाली चली हुई वो लेके आ जाएंगे, वरना इतनी ज़रूरत है नहीं। भाई अड़े तक करना आ गई शॉपिंग बर्तना की, ये दुकान में घुसी हुई है अंदर, ये देखो भाई के कार्ड के ले आओगी वाली आई कढ़ाई, एक ही कढ़ाई देखी या है दिखा भाई कितने की है, कितने की है देखो भाई इनकी दुकान पर ले जाया करो सामान, बहुत अच्छी अच्छी चीज रखा है। बता कितने की है, दोनों का रेट बता दे एक बार। अरे ये भारी है, छह सौ रुपए की कढ़ाई है, अरिया 800 रुपए। अरे यो कितने का आता बाद में बता मेरे ते, पहला बहुत यूज कर लिए ये, वो सही लग गया मैंने वो वाला, ना ना 1000 रुपए का वो ना ले गया, वो अच्छा है। गारंटी इसकी खराब ना, ये ना के बनाओ इस पे के बनाओ, चिल्ला पराठा 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 डोसा 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 चिल्ला ना बने, इस पे चिपक जाएगा, उस पे बन जाएगा, इससे तो बन जाएगा। जो वो उससे की थी चाहिए मैंने, उसकी थी वो चाहिए, उस हाथ लोहे का ना ले दी हूँ, क्यों कितने का है लोहे के बनाए थे देखा पहला है, का और वो कितने का था, वो हल्का सा दिखाया, वो हल्का सा ना है, वो 20 से महंगा है, वो कितना महंगा, ये 250 mm का, वो इससे भी बड़ा है, 280 mm का वो ना, वो दिखा वो दिखा थोड़ा वो वाला मेरे तो देना मेरे तो दिखा खोल कर दिखा, सिटी को न खोलन का है यो है, इसमें 24 भी ले दे, गारंटी गारंटी खराब नहीं होगा, तड़क वड़क तो नहीं जाऊंगी, एल्यूमिनियम का हाँ जैसा है, इडली पकी नहीं, वो किस काम का, दिखा दे खोल कर दिखाइए, ये कितने का है, 1000 रुपए का, ये भी है ये सिल्वर में है, बीमारी हो जाएगी,
उबालने वे दर के बांध बांध के आइसक्रीम से हो जाएंगे वो नीचे पानी भरोगे इतना सा तो पानी जब उबलेगा वो भाप भाप में बन जाएंगे ठीक है। उबाल के खाना खाइए इसमें दर्द देवे चल चल भाई कर दे बिल कर दे तो मटके का भी स्टैंड लीक होया ते वापसी जो इसमें दिखाई देवे पहला ही छेद सा छेद कौन है देखियो देख लिए बाल का ना दर्द ये दो दिन दिया पला लीक होगा ले ले ओहो आगे का बिल भर गया पीछे भी लिख दिया पन्ना भर दिया पिन लगा दे दो काट दे चल पैक करवा ले सर जैसी ई बम आगे करने और चाय नाश्ता मारा हो गया भाई चालू और ये सामान ये प्रेस ठीक करवा के लाए इसमें बहुत तेज करंट था बहुत तेज एक ये लेकाए जोत ये लेकाए तवा वो लेकाए इडली मेकर और ये रील का बॉक्स कविता ही सा ले आवांगी पर तृतीया कविता ही सा ले आवांगी तुम बच्चे ये नहीं सा क्या आ रहा ये लेकर आवांगी तृतीया एक बार ठीक है मंगाना हो तो कमेंट कर दिए एक ये लेकर आए ड्रोर में रखन की थिया चम्मच वगैरह ये अगरबत्ती का ओ एक बार गर्म होए पीछे ये लेकर आए कांटे की चम्मच चिंकी देख ओ फाइनली हाँ ले आए इसी कढ़ाई में चिकन बना दे चिकन इसी में ना बनाया करे सलवरा में बनाया करे ये लागी छतरी लागी छतरी ये कढ़ाई कितने की है चलो इसका ढक्कन है 1050 हाँ देखिए वजन 1000 रुपए का तवा है और 1400 रुपए का ये है इडली मेकर एल्यूमिनियम वाला था वो 1000 रुपए का था यो कितने का है और ये चम्मच ये रखने के लिए बड़ी वाली चम्मच ना थी बड़े वाली चम्मच लेकर आई और ये घड़ी ठीक करवा के लेकर आई या 20 साल पहले की है मेरे ब्याह में चढ़ाई थी बस इसका ये बदलवा रखा सोने की ना चढ़ाते ना और ये आइस की ठीक करवा के लेकर आए पापा तो चढ़ाई होगी ओ ये तो बहुत ज्यादा सोने की ना चढ़ाते ये वाला यू हटते कर इसका आज तो यार रोटी बनाना स्टार्ट कर दे बेटा तो कई दिन खाट में लोटी रहे फिर चिल्ला बनावे जब ठाणा ना बढ़ता ये दरिया ही रहेगा चिल्ला बनान की तैयार है चिल्ला डोसा पराठा कुकिंग कर कुकिंग तेरी मर्जी क्या है कुकिंग ना जब स्कूल ना जाते सब मम्मी पापा 7:30 बजे दिया पहुंचा दिया करो 7:30 बजे स्कूल में था है ठीक 7:30 बजे तक अगली उठ कोई ना जल्दी वो भेजा था फोन में उसे सौदा भेजेगी चाप चाप के और इसमें बन जाएंगे भाई बहुत सारी 24 कितनी का बता निकालिए टेढ़ा कर कर निकाल इसने टेढ़ा कर दे आनु आनु कल लेकर आओगा ना उसने कहा वो खाली लेकर पड़ना है बार बार ना लेकर आए अच्छा छह प्लेट है ना खुल रहा है जो स्क्रू निकल रहा है इसका हाँ स्क्रू निकल रहा है तो ये प्लेट है चार चार आऊंगी इसमें
छह चौक चौबीस, चौबीस इडली। कौन खाओ? चार क्या चार छह 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 खाओ। तो अब ये नया कारोबार यहाँ पे मैंने चालू कर दिया, अभी इडली डोसा चिल्ला ये बनाऊंगी और इस कढ़ाई में के बनाऊंगी चौमिन। चौमिन नहीं चाउमिन, चाउ ना होता ना, इसमें बाप लिखेगी सिटी ना लग है, सब्जी थोड़ी ना बनेगी इस तरह के। कुकर भी आम है, कुकर भी आम नहीं है। चिकन और ये लेके आई चम्मच वगैरह रखन की थी, ये थे ये तो बेबे इस ड्रॉर में भी रखूंगी ड्रेसिंग टेबल वाली में, उड़े चम्मच चक्कू और ये सब कुछ गचड़ में चढ़ कर रहा है, इसमें भी तेना गचड़ में चढ़ कर रखा है। तो यो सामान लेकर आए हैं, मेरी चाय होगी ठंडी दी है। एक सामान तो अब यहाँ पे चेंज कर देती हूँ सबसे पहले सिलेंडर की ये पाइप, ये थोड़ी सी छोटी रह रखी थी जो इसका कैबिन बना रखे अभी सिलेंडर रखने के लिए, उसमें सिलेंडर रखने के बाद ये ऊपर थी जो चूल्हे में लगाई जावे तो बहुत ज़्यादा टाइट रहती थी, अच्छे से फिट नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये चेंज करनी पड़ी। एक महीने के बाद टाइम लगा है, कल जाऊँगी आज जाऊंगी, ये करते करते एक महीना निकाल दिया है। और ये सिलेंडर रखा रहता था हमेशा किचन के बीच में, तो अभी जो स्टैंड है वो हटाना पड़ेगा इसका, क्योंकि स्टैंड के साथ ये अंदर इसके अंदर सेट नहीं हो रहा था। और ये यहाँ पे अच्छा दबा दबा के मैंने फिट कर दी है बिल्कुल, क्योंकि भाई गैस का थोड़ा सा रिस्क ही कम होता है, तो ये भी सेट हो चुका है। उसके बाद में जो फ्रूट लेके आई थी, सामान लेके आई थी, वो सारा मैंने निकाल के रख दिया है। अभी फ्रूट है और एक दो सब्जी है वो धो के और रख दी है। दोपहर के टाइम के जो बर्तन थे वो अभी सूख चुके हैं, तो उनको मैं पहले लगाऊंगी रैक में, और उसके बाद में चाय पानी के जितने भी बर्तन थे वो मैं धो के रख देती हूँ। यहाँ पे एक आम था वो मैंने कर दिया है कट, ऊपर से लग रहा था कि भी कहीं ख़राब ना हो जाए, और चेक करने में लगा कि भी चलो ठीक है तो इसको खा लेते। उसके बाद में जो कढ़ाई लेके आई थी वो साफ़ करने के लिए, पहले तो इसके स्टिकर निकाले हल्की सी ये की गर्म, उसके बाद में स्टिकर आराम से निकल गए थे। फिर अब ये धो के मैं रख देती हूँ। इसमें बनाऊंगी आज सब्जी आलू और बैंगन की, तो भाई पहली सब्जी यही बनाने वाली हूँ। एक बार तो सोच रही थी कि भी कुछ मीठा बना लूँ, नया बर्तन लेके आई हूँ, फिर मेरे को बाहर भी जाना था तो इसलिए बना नहीं पाई, क्योंकि सब्जी ही बनाने में टाइम लग जाएगा और बर्तन वगैरह है ये जचाऊँगी, और जो अभी धोने भी है बर्तन वो भी होगा तो काम हो जाएगा बहुत सारा। और वैसे भी आज सुबह की लगी लगी एकदम थक चुकी हूँ, ये देख लो भी सुबह की लगी हुई मार्केट में चलेगी, वहाँ से आने के बाद थोड़ी बहुत देर आधा घंटा मुश्किल से आराम किया होगा, फिर अब लग गई हूँ किचन के काम में। काम वही है पर पता नहीं आराम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो बर्तन है वो अभी लगा देती हूँ और उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी। ये यहाँ पर कट कर लेती हूँ एक प्याज, आलू मैंने कट करके और पानी में पानी डाल कर रख रखे हैं, बारीक बारीक से करूँगी कट प्याज। तो एक आध सब्जी में लगा लेती हूँ प्याज का छोकना, बिल्कुल सिंपल सा जीरे वाला छोक लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर रख दी है कढ़ाई और उसके बाद में इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, सरसों का तेल हल्का सा हो गया गरम, उसमें डाला है तेज पत्ता, थोड़ा सा
जीरा, जीरा भुनने के बाद इसमें डाल दिए हैं प्याज, प्याज होंगे हल्के से सुनहरे। तब इसमें मैं डाल देती हूँ जो मसाले हैं, हल्दी पाउडर हो गया भाई, नमक हो गया, गरम मसाला, ये चीज़ें अभी डाल कर, और ये डाल दिया टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट भुन जाएगा उसके बाद मैं डालूँगी मैं इसके अंदर आलू, और ये आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। दो मिनट पका लेंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल लेंगे बैंगन जो छील कर कट कर रखे हैं। तो छिलके वाले वैसे पसंद करते हैं नहीं, और वो छिलका अलग से दिखाई देता रहेगा फिर। तो ये बड़े वाले जो बैंगन थे वो थे, तो इनका छिलका कट कर कर फिर बना दिए है। अभी यहाँ पर सब्जी छोंक दी, उसके बाद मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। बाहर जाऊँगी इशिका को लेने के लिए, और एक आध सामान और भी लेके आना है। एक तो भाई जो इडली मेकर लेके आई हूँ उसके लिए मैं लेके आऊँगी कुछ जो मसाला वगैरह है, इडली सांभर बनाऊँगी। तो और यहाँ पे महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का चल रहा है मेरे सामने ही, उनका सत्संग। तो भी सत्संग सुनते हुए बना दिया है खाना, और अभी टाइम हो रखा था करीबन 6:30-7 बजे का टाइम हो रखा था। तो अब चलती हूँ मैं बाहर, इशिका आने वाली है 7:30-7 बजे के करीब वो आ जाती है, तो उसको भी लेते हुए फिर मैं जाऊँगी। उसको करवानी है आज अपनी बालों की कटिंग, तो देखते हैं भाई कटिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है उसकी। और अभी जो कपड़े सुबह धोए थे वो उतार के और रख देती हूँ, वरना सुबह के एंक पे लगे लगे हो चुकी है बिल्कुल शाम। वैसे सूख तो गए थे, कम धूप आती है सुबह के टाइम पे, यहाँ पे ज़्यादा आती है जब सूर्य उदय होता है तब आती है। उसके बाद में 11-12 बजे के बाद यहाँ पे धूप नहीं आती, आगे जो आगे की साइड में आ जाएगा धूप। तो वहाँ पे रस्सी वगैरह कुछ लगा नहीं रखी, यहाँ पे ये है कि भी कपड़े धुले और साथ के साथ में यहीं पर सुखा दिए, आगे पीछे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो जितने भी कपड़े थे वो उतार के अब यहाँ पर रख देती हूँ, बाकी का आने के बाद करूँगी जो भी काम है। तो पहले इशिका को लेके आते हैं, और यहाँ पे भाई थाली भर के इसने खा लिए गोलगप्पे, ये देखो वो अपना सड़े रखी है जबकि ठीक करवा के लेके आए थे, पर इन्हें वो कपड़े रख रखे हैं। अब उन्हें तय करूँगी, रोटी बना दी है पापा ने खा लिया है तो तेरे थाली बर्गर तो खा लिए है, और ये भी कसर रह गई, रख दे फ्रिज में ठंडा पानी। तो भाई ये व्लॉग ना भी यहीं पर एंड कर दे, मैं फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बाय बाय।